अब डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा मैंने होमोलोगस सीरीज की वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि होमोलोगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं वो डिफर करते हैं CH2 कार्बन एटम से, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊं तो देखो, मान लो कि हमारे पास पहला मेंबर है वो है C2। सपोज करो अगर मैं अल्केन की बात करूं तो अल्केन में अगर पहला मेंबर है वो है CH4, दूसरा मेंबर है C2H6, तीसरा मेंबर है C3H8, चौथा मेंबर है C4H10 और पांचवा मेंबर है C5H12। अगर मैं इनके अंदर सक्सेसिव कार्बन एटम ढूंढने की कोशिश करूं कि भाई कितना डिफर कर रहा है, तो वो डिफर कर रहा है इनके बीच में सीस, और हाइड्रोजन डिफर कर रहा है 2 से, यहाँ पे डिफर कर रहा है CH2 से, यहाँ भी डिफर कर रहा है CH2 से। तो आपने पैटर्न नोटिस कर लिया ना कि भाई सक्सेसिव एलिमेंट में कार्बन आइटम 1 से डिफर करता है और हाइड्रोजन 2 से डिफर करता है। तो हमारा आंसर होगा होमोलोगस सीरीज के बीच में CH2 से डिफर करता है सक्सेसिव एलिमेंट में कार्बन और हाइड्रोजन आइटम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। अब बारी आती है कि इथीन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक। तो चलो सबसे पहले इथीन का स्ट्रक्चर बना के देखें। अगर हम इथीन की बात करें तो फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देख लो इथीन का, तो C2H6, ठीक है, इथेन दिया हुआ है, सॉरी मैंने इथीन लिख दिया, C2H6, ठीक है। अब जब इथीन की बात करेंगे तो सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो, क्योंकि वो एन है यानी अल्केन से बिलोंग कर रहा है, तो होगा सिंगल बॉन्ड। बाकी सेटिस्फाई करो इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं दो, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच और यहाँ पे छः। अब टोटल गिनो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, नंबरिंग करो सारे बॉन्ड पे, ठीक। तो पहला जो है एक बॉन्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवा यहाँ। हर जगह पर इलेक्ट्रॉन शेयर ही हो रहे हैं, ठीक है, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर आप बहुत प्रिसाइजली देखोगे तो यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो टोटल जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो है 7, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला हुआ है कि राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब इथीन आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपको करके बताना है। तो आइए जरा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिटेल में समझे। क्वेश्चन था इथीन, अब इथीन की जब बात की जाएगी तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। तो सबसे पहले ये इथीन है तो डबल बॉन्ड लगा दो कार्बन कार्बन आइटम के बीच में, बाकी दो हाइड्रोजन जो है वो सेटिस्फाई कर दो इस तरफ और इस तरफ, एक इधर और एक इधर। अब बारी है कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा था ना आपने, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना दिया। तो देखो हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तो मैं यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर जूम करके दिखाता हूँ। मानो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे होगा, मैं क्रॉस से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। चलो सभी के एंड्स पे आप इलेक्ट्रॉन्स बना दो, आपकी मर्जी, आप डॉट से बनाओ, आप क्रॉस से बनाओ, जस्ट कि आपको क्लियरली विजिबल हो, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। तो ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया इथीन का। अब यहाँ पे क्या करो, आप सर्कल्स कर दो हर किसी को। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये एक पर ये सर्कल हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के बॉन्ड सेटिस्फाई, यहाँ पे ये सर्कल। इसी तरीके से सारे हाइड्रोजन को पहले सर्कल कर लो। अब बारी है कार्बन की कि कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पे खुद के इसके चार इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे पहले ये देख लो। इस वाले कार्बन की एक और एक यहाँ पे दो हो गए, और इस वाले कार्बन की एक और एक यहाँ पे दो हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले इस कार्बन को सेटिस्फाई करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस वाले कार्बन के केस में ये हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इस तरीके से कुछ ऐसे सर्कल कर लो। और जब हम इस कार्बन की बात करेंगे तो इस वाले कार्बन के केस में कुछ ऐसे सर्कल हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया सर्कल, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। आपका इथीन का स्ट्रक्चर था। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आंसर भी आप चेक कर सकते हो, तो ये हमारा इथीन का स्ट्रक्चर था, आपको समझ आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आप इथेन मॉलिक्यूल का बनाओ। देखो इथीन का तो हमने बना लिया, अब बारी है इथेन का। तो इथेन का भी बड़ा सिंपल सा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, बीच में इनका सिंगल बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक, इधर एक और इधर एक, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6,
यानी कि दो कार्बन एटम और तीन तीन हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने होते हैं, बॉन्ड्स के एंड पे ना आप इलेक्ट्रॉन प्लॉट कर दो, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगेन क्रॉस से प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने हर एक बॉन्ड के एंड में इलेक्ट्रॉन प्लॉट कर दिए क्रॉस से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सबके एंड में करते हैं इलेक्ट्रॉन प्लॉट। अब बारी है इधर के हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे भी कर देते हैं सबके एंड पे इलेक्ट्रॉन प्लॉट, और ये इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से प्लॉट किया। अब बात करते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हाइड्रोजन को चाहिए होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको मिल गए इसके दो इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो गया। इन अ सिमिलर वे इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, इस वाले का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा, इसका भी और इसका भी, ठीक। तो अब हाइड्रोजन का तो हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा। जब बारी आएगी कार्बन की, तो कार्बन अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा। इस कार्बन को चाहिए आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसको यहाँ से ऐसे आठ मिल रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से प्लॉट कर दो। देखो कार्बन की जब बारी आएगी तो इसको आप ऐसे पूरा सर्कल अप करके ले लो, ठीक है। और जब हम बात करेंगे इस वाले कार्बन की, तो इस केस में भी इसको ऐसे पूरा सर्कल कर लो, ताकि इसे आठ इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से मिल जाए। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन के केस में। आई होप आपको ये डिटेल आंसर समझ आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। देखो ये कार्बन ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है अपने सारे आठ के आठ इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जंप करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है, एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपको ना इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बताना है। इथेन मैंने बता दिया, इथिन मैंने बता दिया, अब इथाइन की बारी है। देखो इथाइन के केस में कुछ होगा नहीं खास, बस ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, यानी कि एक कार्बन के बीच में यहाँ पे तीन बॉन्ड्स आ गए, और उसके इर्द गिर्द आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो इसके इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे केवल एक होगा और यहाँ पे भी केवल एक होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ना, सॉरी बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्लॉट करना है। तो आप यहाँ पे कर दो इलेक्ट्रॉन प्लॉट, ये क्रॉस से इलेक्ट्रॉन प्लॉट कर दो, बाकी हर बॉन्ड के एंड पे क्रॉस से करना है इलेक्ट्रॉन प्लॉट, ठीक है। चलो ये तो प्रॉपर पहले इथाइन का स्ट्रक्चर था, अब स्ट्रक्चर के बाद हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो तीन इसको यहाँ से मिल गए, तीन यहाँ से मिल गए, छः और दो यहाँ से मिल गए, टोटल इसके आठ पूरे हो गए। तो अगर इसके टोटल आठ पूरे हो गए तो आप इसको ऐसे सर्कल कर लो, कार्बन की बारी कर बात कर रहा हूँ मैं, इस कार्बन के केस में भी यही होगा, इसको आप ऐसे सर्कल कर लो, ठीक है। कैसे, तीन यहाँ से छः और दो यहाँ से आठ। इंडिविजुअल हाइड्रोजन आपको पता ही है कैसे होंगे, इंडिविजुअल हाइड्रोजन की जब बात की जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया इथाइन का, राइट। चलो अब आपसे बोला हुआ है कि ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो हमने कर लिया है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की कोई खास बात है नहीं, हमने उसको ड्रॉ करके देख लिया है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन।